सिंपल है सर, कहीं भी बिजनेस करने जाता है कोई भी कहीं भी जाता है, अगर फर्स्ट गेट हो जाता है मतलब वो फेल हो जाता है, तो सॉल्यूशन में बताते हैं, देख बेटा अगर तुझको ये करना है तो सबसे पहले तू देख अपने विचार को बदल, विचार को बदलने के लिए तू गीता पढ़ या रामायण पढ़, ऐसे ऐसे सर बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे थॉट देते हैं, तो क्या सर ये बात सही है कि गलत है? भगवद गीता इज मोर टू डू विद लिविंग अ लाइफ जहां से कि आप खुद को डिस्कवर कर सको, ये जो लिखा हुआ है ना डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर नॉट एज इन अपने पैशन को अपने इंटरेस्ट को सबको डिस्कवर ना, जो आप एक्चुअल में हो वहां तक पहुंच सको, दैट इज भगवद गीता। उसका बिजनेस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। बिजनेस क्या है? फिलिप कोटलर को आप पढ़ते हो, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन, ये सब मिलेगा भगवदगीता नहीं? नहीं। तो भगवदगीता अपनी जगह पर है, और ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर है वो अपनी जगह पर है, इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब फिलिप कोटलर को पढ़ करके ये मार्केटिंग सीख करके आप खुद को नहीं जानने वाले, हाँ लेकिन पैसा कमा सकते हो, बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो, बट उसको आप यूज करो अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो उसको पढ़ करके मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, क्या कट्टू होगा वहां समझे?